कहानी शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है एक वैज्ञानिक जिनका नाम डॉक्टर मार्शल, उसका एक आदमी इंटरव्यू ले रहा होता है। मार्शल बताता है कि अर्थ पे इंसान को बचाने के लिए सिर्फ एक तरीका है और वो है टाइम ट्रैवल। जिस पर वो आदमी इंटरव्यू ले रहा होता है वो उस पर हंसता है क्योंकि वो उसी सब्जेक्ट पर काम करते हुए गवर्नमेंट की 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, लेकिन उसको इसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। मार्शल यहाँ पर अपना किताब दिखाता है और बताता है कि मेरी पूरी की पूरी रिसर्च इस किताब में है। इस पर वो इंटरव्यू लेने वाला आदमी कहता है कि सारे के सारे वैज्ञानिक तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। ये सुनकर मार्शल को उस पर गुस्सा आता है और वो उस पर हाथ उठा देता है, जिस वजह से मार्शल की जॉब चली जाती है। 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बाद मार्शल जो कि एक वैज्ञानिक था, अब वो एक स्कूल के टीचर है, तभी उसके पास एक होली नाम एक लड़की आती है। वो मार्शल को बताती है कि मैंने तुम्हारे किताब पढ़ी थी और मैं उससे बहुत इंस्पायर। मार्शल कहता है कि मेरी थ्योरी पर कोई भी बिलीव नहीं करता, और तभी वो लड़की उसको एक पत्थर दिखाती है। मार्शल जब वो पत्थर देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पास जो लाइटर होता है उसी कंपनी का नाम उस पर लिखा था, और जब लाइटर को पत्थर के अंदर रखता है तो बिल्कुल फिट हो जाता है। होली उसको एक क्रिस्टल दिखाती है और बताती है कि इसे टेकियन एनर्जी निकल रही थी। ये वही एनर्जी होती है जिस पर वैज्ञानिक कई सालों तक रिसर्च करता रहा, और होली उससे कहता है कि अपनी प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहिए। अगले दिन वो अपनी प्रोजेक्ट को पूरा करके एक डिवाइस बना लेता है। ये दोनों के दोनों उस डिवाइस को लेकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर होली को वो पत्थर और क्रिस्टल मिला। यहां पर एक शॉप होती है जिसका ओनर का नाम हुईल होता है। मार्शल हुईल को कहता है कि हमें एक गुफा को ढूंढना है जहां पर टेकियन एनर्जी निकल रही है। वो इनकी बात मान जाता है। वो अपनी दोस्त से कहता है कि तुम मेरा दुकान संभालो, और ये कहकर हुईल पानी से भरी एक गुफा के अंदर ले जाता। और जब कुछ दूर जाते हैं तभी मार्शल का जो मीटर है, जो डिवाइस उसने बनाया है, वो सिग्नल देना शुरू कर देता है कि आसपास टेकियन एनर्जी। मार्शल अपने डिवाइस को ऑन कर देता है तभी यहाँ पर भूकंप आ जाता है, जिस वजह से जमीन के पानी के अंदर एक बहुत बड़ा झरना खुल जाता है। ये तीनों के तीनों इसमें गिर जाते हैं, और जब इनके आँख खुलती है तो ये बहुत बड़े रेगिस्तान में होते हैं। ये एक अजीब सी जगह होती है जहाँ पर आसमान में 3-3 चांद होते हैं, जिन्हें देख ये समझ जाते हैं कि ये एक दूसरे दुनिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक शिप भी होता है। दरअसल टेकियन एनर्जी के वजह से धरती से यहाँ पर चीजें आकर गिरती थी। अभी अपने से बहुत दूर बंदर दिखने वाले आदमियों को देखते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं। दरअसल वो अपने को मार रहे होते हैं। तभी होली जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर वो मंकी मैन अपनी साथी को छोड़कर इनके पीछे आ जाते हैं। ये देखकर हुईल के पास जो लाइटर होता है वो उसे जलाता है। दरअसल वो आग से इन दोनों को डराना चाहता है, पर जल्दी लाइटर गर्म हो जाता है, उसके हाथ से छूट जाता। ये दोनों मंकी मैन उस लाइटर को लेकर भाग जाते, और अब वो तीसरी मंकी मैन के पास जाते हैं जो इनको देखकर छुप रहा होता। होली उसके पास जाती है और अपना नाम बताती है। वो मंकी मैन उसका नाम चका बताता है, पर जब मार्शल उसके पास जाता है तो चका यहाँ से भाग जाता है। ये तीनों भी उसका पीछा करते हैं, पर जल्दी ये चारों के चारों रेगिस्तान में एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ गड्डियाँ होती है। उससे पहले ये कुछ समझ पाते पेड़ की लता इन्हें पकड़कर ऊपर खींच लेती। दरअसल ये शैतानी पेड़ है जो कि किसी भी जीव को आ जाती है, लेकिन इससे पहले ये पेड़ कुछ करता यहाँ पर एक डायनासोर आ जाता जो कि इन लताओं को काट देता है। ये चारों के चारों यहाँ से भागते, डायनासोर भी इनका पीछा करता, लेकिन ये एक ब्रिज से भागते हुए एक गुफा के अंदर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर डायनासोर आ नहीं सका। तभी इन्हें आने की आवाज आती, और जब ये उसका पीछा करते हैं तो ये देखते हैं चका ने वहाँ पर गाना चलाया होता है। यहाँ पर एक कपल का स्केलेटन होता है जो देखकर ये तीनों के तीनों डर जाते हैं। हुईल को यहाँ डायनासोर का डर रहता है और वो गुफा को मुंह बंद करना चाहता है, पर तभी मार्शल कहता है कि तुम्हें डायनासोर से डरने की जरूरत नहीं है। उसके दिमाग अखरोट की तरह होता है। जैसे मार्शल ये कहता है इन्हें बाहर दम की आवाज आती है, ये तीनों के तीनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा रोड होता है और सामने डायनासोर होता है जो वो देख रहा होता है। अगली सुबह इन्हें जंगल के बीचों बीच एक रोशनी आती हुई नजर आती है। यहाँ पर मार्शल को एक विजन भी आता है कि कोई एलियन उसे बुला रहा है। वो भागता हुआ उस जगह पर पहुंच जाता है। हुईल और होली भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये बहुत बड़े क्रिस्टल पिरामिड देखते हैं, और तब भी यहाँ पर बहुत एलियन जिन्हें लिजर्ड मैन कहा जाता है वो इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं।
दरअसल ये सब लिजर्डमैन इनको मारने के लिए इनके तरफ बढ़ रहे होते हैं। होली अपने बेल्ट को निकाल लेती है। मार्शल उसे उसकी बेल्ट ले लेता है और देखता है कि उसकी बेल्ट का जो बकल है सूरज की रोशनी पड़कर वहाँ पर जो मूर्तियाँ होती हैं वहाँ पर पड़कर रिफ्लेक्ट करती है, जिसे क्रिस्टल पिरामिड का जो दरवाजा होता है वो खुल जाता है। ये तीनों के तीनों अंदर पहुँच जाते हैं। ये देखते हैं कि वहाँ पर एक एलियन है। ये वही एलियन है जिसने अपने विजन का इस्तेमाल करके यहाँ पर मार्शल को बुलाया था। अब ये एलियन इन्हें होलोग्राम पर एक पिक्चर दिखाता और बताता है कि ये एक दूसरा एलियन है जो तुम्हारे अर्थ पर कब्जा करना चाहता है। मैं उसे रोकना चाहता था, इसलिए यहाँ पर मुझे कैद कर लिया। अब तुम मुझे और अर्थ को बचा सकते हो। मार्शल पूछता है कैसे। वो बताता है कि तुम्हें अपनी वो डिवाइस को लाना होगा। अब ये तीनों के तीनों वहाँ से निकल जाते हैं ताकि वो डिवाइस को हासिल कर सके। अब वो उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ वो धरती से गिरे थे। जगह भी इन्हें बाहर मिल जाता है और ये सब के सब उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर अर्थ से गिरी बहुत सारी चीजें होती है। तभी यहाँ पर वो डायनासोर भी आ जाता है जो एक दिन पहले इन सबको मारना चाहता। इससे पहले कि वो डायनासोर इन पर हमला करता कि यहाँ पर एक फीमेल डायनासोर आ जाती है। ये दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इन्हें लगता है कि इनकी जान बच गई और तभी डायनासोर इन्हें इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। मार्शल अपनी जान बचाने के लिए एक गाड़ी के अंदर छुप जाता है। फीमेल डायनासोर उसका पीछा करती रहे। मार्शल बहुत मुश्किल से गाड़ी से बाहर निकल जाता है और तभी एक नाइट्रोजन सिलेंडर मिल जाता है। उस सिलेंडर को लेकर अपनी साथियों के पास आता है। वहाँ पर पत्थर फेंकने की एक मशीन होती है। ये सिलेंडर को उस मशीन से लगी नाइट्रोजन सिलेंडर को उस फीमेल डायनासोर की मुंह पे फेंक देते हैं, जिससे डायनासोर पूरी तरह फ्रीज होकर ब्लास्ट हो जाती है। और तभी इनके वो डिवाइस जिसे हासिल करने के लिए वो यहाँ तक आए थे वो एक बार फिर से बचना शुरू हो जाता है। दरअसल वो डायनासोर के पेट के अंदर था, उसने उसको निगल लिया था। इनका डिवाइस इनके पास होता है, इनका डिवाइस इनके सामने होता है, लेकिन इससे पहले कि ये अपने डिवाइस उठा पाए यहाँ पर एक उड़ने वाला डायनासोर आता है और इनके डिवाइस को लेकर यहाँ से निकल जाता है। मार्शल इस बात से पूरी तरह टूट जाता है। अब वो आगे जाना नहीं चाहता, लेकिन तभी होली उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी किताब पर विश्वास किया, पूरी दुनिया तुम पर हंसती है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। शायद पूरी दुनिया सही थी और मैं गलत, इसलिए मुझे मेरे कॉलेज से निकाल दिया था। ये सब सुनने के बाद मार्शल तय करता है कि एक बार फिर से अपने डिवाइस को हासिल करने के लिए जाएगा। अगले दिन ये सब के सब उस डिवाइस को लाने के लिए उड़ने वाले डायनासोर के घोंसले के तरफ निकल पड़ते हैं, जो कि एक पहाड़ की चोटी के ऊपर होता है। जब ये चोटी के ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये एक ज्वालामुखी है जहाँ पर उड़ने वाले डायनासोर के बहुत सारे अंडे और इनका जो डिवाइस है वो अंडों के बीचों बीच होता है। इससे एक म्यूजिक निकल रहा होता है और ऐसे उस डिवाइस को उठाता है, उस डिवाइस से म्यूजिक बंद हो जाता है। यहाँ पर डायनासोर के जितने भी अंडे थे वो फूटना शुरू हो जाते हैं। ये समझ जाते हैं कि इन्हें म्यूजिक प्ले करना होगा, इसलिए ये सब के सब यहाँ पर गाना गाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से फिर से एक बार डायनासोर के बच्चे सो जाते हैं। ये सब के सब उस डिवाइस को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। ये बहुत खुश है कि ये अपनी दुनिया में वापस लौट सकते हैं। ये सबके सब खुश होकर एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तभी चका इन्हें एक फल ला के देता है, इसका पानी सबके सब पी लेते हैं और इन सबको नशा हो जाता है। यहाँ पर जो होली होता है उस डिवाइस को उठा लेती है और जब उसको ऑन करती है तो उसे पास से सिग्नल आना शुरू हो जाता है और उस तरफ अकेली बढ़ जाती है। और कुछ दूर जाने के बाद वहाँ पर एक क्रिस्टल का टावर दिखता है जहाँ से सिग्नल आ रहा होता है। वो उसका डिवाइस से एक दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। ये एक बहुत अजीब सी गुफा होती है। होली जब आगे बढ़ती है तो वहाँ पर बहुत सारे अंडे होते हैं। वो इनमें से एक अंडे को उठा लेती है और तभी इन्हें यहाँ पर रेड लिजर्ड मैन की होलोग्राफिक इमेज दिखती है, जिसके बारे में पिछले वाले लिजर्ड मैन ने बताया था कि धरती पर कब्जा करना चाहता है, धरती को तबाह करना चाहता है। पर अब जब उसका होलोग्राफिक मैसेज देखता है तो रेड लिजर्ड मैन कहता है कि दरअसल वो मैं नहीं हूँ जो धरती पर कब्जा करना चाहता हूँ, बल्कि वो इनिक लिजर्ड है। इनिक लिजर्ड वही है जो इनको डिवाइस लाने भेजा था। और तब ये होलोग्राफिक इमेज में दिखती है कि इनिक लिजर्ड उस रेड लिजर्ड को मार देता है। और जब वो सामने देखती है तो वहाँ पर रेड लिजर्ड का कंकाल पड़ा होता है। उसे पूरी भाषा समझ में आ जाती है। तभी दो लिजर्ड मैन आकर होली को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। तो वही
मार्शल को हुई को और चका को दिखाया जाता है। जब वो देखते हैं कि होली इनके पास नहीं है तो वो उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जिसकी दरवाजा होली ने खोला था। यहाँ पर दो लिजर्ड मैन दिखते हैं, वो अपनी स्किन उतार कर फेंक देते हैं जिस तरह सांप अपनी स्किन निकाल लेता है ठीक उसी तरह, और ये उस बात का फायदा उठाकर उनकी स्किन पहनकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर होली होती है। होली को यहाँ पर मौत की सजा दी जा रही होती है और उसकी जुल्म यह है उसने और उसके साथ लिजर्ड की, जिन्हें इन सभी लिजर्ड ने कैद करके क्रिस्टल पिरामिड के अंदर रखा था, उसी बातों में आकर उसकी मदद करने की कोशिश की होती है। पर इससे पहले कि ये होली को मारते, यहाँ पर मार्शल और होली अपने कवच को उतार कर इनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर होली ने गलती की है तो हमने भी गलती की है, हमें भी सजा मिलनी चाहिए। पर इससे पहले ये एलियंस लटक जाता है जिस पर होली को बंद किया गया था। मार्शल और होली एक एक करके सभी एलियन को देख देते हैं और होली को बचा लेते हैं। होली ने बताती है कि ये लिजर्ड मैन सच कह रहे थे, एनिक लिजर्ड एक बुरा लिजर्ड है, वो धरती पर कब्जा करना चाहता है। पर मार्शल ने यहाँ पर एक गलती कर दी थी, दरअसल वो होली के साथ यहाँ पर आ गया था और वो डिवाइस को चक्का के साथ उसी पिरामिड तक भेज दिया था जहाँ पर एनिक लिजर्ड को बंद कर रखा गया, और अब एनिक लिजर्ड अपने साथी के साथ इस पहुंच जाता है और वो इन सबको अपने डिवाइस से अर्थ का नक्शा दिखाता है और बताता है कि मैं जल्दी ही अपने साथियों को उस डिवाइस से जो तुमने बनाया था जो अब मेरे पास है अर्थ का पोर्टल खोलूंगा और उन्हें उस पोर्टल से अर्थ पर भेजूंगा जहां पर वो बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे, हम पूरे अर्थ पर कब्जा कर लेंगे। ये कहकर वो पोर्टल खोलने निकल पड़ता है। अब यहां पर वो डायनासोर भी आ जाता है जो पहले मार्शल और उसके साथियों को मारने की कोशिश कर चुका। मार्शल होली से अब प्यार करता है, होली भी उससे प्यार करती है, उसे और हुईल से कहता है कि यहां से चले जाए, उसका सामना मैं करूंगा। इसके बाद वो खतरनाक डायनासोर का सामना करता है, उसके मुंह के अंदर चला जाता है, डायनासोर उसे निगल कर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर होली और हुईल के ऊपर जो कि एक पूरा लिजर्ड है उसके साथ ही इनके ऊपर हमला कर देते, पर इससे पहले कि वो इन दोनों को मारते ये देखते हैं कि यहाँ पर डायनासोर फिर से आ चुका और उसके ऊपर मार्शल बैठा हुआ है। मार्शल और डायनासोर दोनों दोस्त बन चुके, डायनासोर सभी लिजर्ड को खत्म कर देता है। होली और हुईल ने उसे पूछते हैं कि उसने तुम्हें निगल लिया था, तुम्हारा दोस्त कैसे बना। वो बताता है कि उसके पेट में कुछ अटका हुआ था जिसे मैंने निकाल दिया, इसलिए अब वो मेरा दोस्त है। उसके बाद ये सब के सब एनिक लिजर्ड को रोकने के लिए उस क्रिस्टल क्यूब के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो अर्थ का पोर्टल खोल दिया, ये उस पर हमला कर देते हैं। मार्शल और एनिक लिजर्ड के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ पर छोटे छोटे क्रिस्टल होती है जिसके जरिए मार्शल की डिवाइस मदद से अर्थ का पोर्टल खोला था। उस क्रिस्टल से एक क्रिस्टल नीचे गिरकर टूट जाता और यहाँ पर जो अर्थ का पोर्टल खुला था वो बंद होना शुरू हो जाता, लेकिन तभी मार्शल होली की गले से उस लकेट को निकाल लेता है जो उस क्रिस्टल का होता है जो उसे अर्थ पर मिला था। वो उस क्रिस्टल को उस जगह लगा देता है जिससे थोड़ी देर के लिए अर्थ पोर्टल खुला रहता है, क्योंकि वो क्रिस्टल बहुत देर तक खुले हुए पोर्टल को होल्ड नहीं कर सका। यहाँ पर मार्शल और होली को बताता है कि तुम अर्थ पर चले जाओ, मैं चका के साथ उसके किंगडम में चला जाऊंगा जहाँ का वो राजा है। चका कहता था कि वहाँ का फीमेल बहुत सुंदर होती है इसलिए मैं इस सुंदर दुनिया में रहूंगा। मार्शल और होली पोर्टल से निकल कर अर्थ पर वापस आ जाते हैं जिसके पोर्टल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। वहीं हुईल को दिखाया जाता है कि जो चका के साथ उसके किंगडम तक पहुंच जाता है जहां पर बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां आती है जिस वजह से हुईल इस दुनिया में रुका था, अब वो इस दुनिया में बहुत खुश है। वहीं मार्शल को दिखाया जाता है कि एक बार फिर से उसी इंसान को इंटरव्यू देने के लिए जाता है जिसे उसने 3 साल पहले दिया था, जिस लड़ाई के वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया। अब उसके पास वो अंडा जो होली दूसरी दुनिया से यहां पर लाए, इस बात का सबूत है कि मार्शल की जो भी थ्योरी थी वो सब सही। यहाँ पर उसने एक और नई किताब लिखी होती है जिसका टाइटल देकर ये इंसान इसका इंटरव्यू ले रहा होता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ टेबल पर जो अंडा रखा होता है और वो घटना शुरू हो जाता है। इसके साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.3। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।